गर्मी दाने जिनको हम प्रिकली हीट भी कहते हैं, इसे बच्चों में नहीं होते बल्कि बड़ों में भी हो जाते हैं, खासतौर पर आजकल के मौसम में जैसे जिसमें गर्मी और हब्स बहुत ज़्यादा होता है। गर्मी दाने बनते कैसे हैं? जब हमारे जिल्द के मसामात जो स्वेट जो पसीना पैदा करते हैं वो जब ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो गर्मी दाने हो जाते हैं। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, आप इसको घर पर भी ट्रीट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप ठंडे पानी से नहाइए और कोशिश करें कि ऐसा साबुन इस्तेमाल करें जो कि आपकी जिल्द को खुश्क ना करे, और कभी भी डेटॉल और लाइफ बॉय साबुन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा आप कोशिश करें कि नहाने के बाद आप अपनी जिल्द को हवा में खुश्क करें, बजाय इसके कि आप तौलिए से उसको रगड़ें, नहीं रगड़ना चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि कैलामीन लोशन जो बहुत आसानी किसी भी ड्रग स्टोर या फार्मेसी से मिल जाता है, आप वो ले लीजिए, 3 से 4 मरतबा आप वो अप्लाई करें। उससे क्या होगा कि आपकी जिल्द जो कि खुश्की और जो रेडनेस और खारिश से जो इरिटेट हो रही है वो बिल्कुल उसको ठंडक मिलेगी। तीसरी अहम बात यह है कि आपने कोई भी चिकनी क्रीम या लोशन का इस्तेमाल नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपके जो मसामात हैं वो मज़ीद बंद और ब्लॉक हो जाएंगे और दाने मज़ीद बढ़ेंगे, तो इसलिए एहतियात कीजिए। इसके बाद एक और अहम बात कि आप कॉटन के ढीले ढाले हवादार कपड़े पहनिए जिसमें से हवा का गुजर आराम से हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जगह पर वक्त गुजारिए जहाँ पर हवा का अच्छा गुजर हो और जो थोड़ी सी ठंडी जगह हो, जैसे एटलीस्ट कम से कम वहाँ पर पंखा होना चाहिए या अगर एयर कंडीशन है तो बहुत अच्छा है। गर्मी दाने उमूमन 4 से 5 दिन में खुद ही ठीक हो जाते हैं, जब तक कि अगर आप ज़्यादा ख़ारिश ना करें और इसको ज़्यादा रगड़ें नहीं। लेकिन इसके बाद भी और ये सारे चीज़ें करने के बाद जो मैंने आपको बताया, फिर भी ये ठीक नहीं हो रहे हैं, इनमें सुर्खी बढ़ रही है या ख़ारिश ज़्यादा हो रही है, जलन हो रही है या बिल्कुल पस पड़ गया है इन दानों में, तो फिर आपने क्या करना है, या आपको बुखार हो रहा है तो फिर आपने क्या करना है, आपने अपने डॉक्टर से रुजू करना है या जिल्द के माहिर को ज़रूर दिखाइए। Heat rash is also known as prickly heat. It's not just for the babies, it affects adults too, especially in hot and humid weather as it's nowadays. How it develops? Heat rash develops when sweat ducts blocked. So how do we treat? It's very simple, you can do at home. Take a bath or shower with cool water and with non-drying soap, and please do not use Dettol and Lifebuoy soaps. And then let your skin air dry and do not rub with the towel. And use calamine lotion. It is easily available from any drugstore, you can buy it, and 3 to 4 times you can apply. Or cool compresses just to calm down your irritated or itchy skin. And do not use any lotion or creams which contains petroleum and mineral oils, because such type of creams and lotions can block your pores further. And next thing, what you can do, just try to wear loose and light fitted clothes. Try to stay in a cool place with good ventilation. Usually heat rashes subsides within 4 to 5 days itself, but if it gets severe, like if you have fever, if it becomes more red and more itchy, and if you see the pus containing small pustules, then you should see your primary care physician or the skin specialist.